नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजी परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको विंध्याचल स्थित विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कितना हुआ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण, निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव वर्तमान परिस्थिति दिखाने के साथ ही आपको बताएंगे विंध्य कॉरिडोर के उद्घाटन की जानकारी तथा ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल, जिसके नाम में ही पवित्रता का अनुभव होता हो, यही मार्कंडेय पुराण के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध माता ने किया तथा इस स्थान से होकर के गंगा नदी ही नहीं बहती अपितु भारतीय मानक समय अर्थात IST भी होकर के गुजरती है, एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला का यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी है। परंतु समय के साथ मंदिर बढ़ती जनसंख्या के कारण से घरों के मध्य में कहीं खो सा गया था और श्रद्धालुओं को तंग गलियों से होकर के माता के दर्शन को आना पड़ता था, जिसको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने समझा और विंध्यवासिनी धाम के जीर्णोद्धार का संकल्प स्वरूप माता के धाम को ख्याति स्वरूप भव्य बनाने का बीड़ा उठाया, और यह परिकल्पना अब अपने साकार होने के अंतिम चरण में है, जिसके आरंभ से लेकर के वर्तमान तक की समय समय पर विकास की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहे हैं। आइए आपको हम परियोजना की वर्तमान परिस्थिति को दर्शाते हुए सभी जानकारी देते हैं। बता दें कि 30 अक्टूबर 2020 को योगी कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दी थी और नवंबर 2020 में ही अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण का कार्य आरंभ हो गया था तथा इस प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 331 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है विंध्याचल मंदिर का चहुमुखी विकास एवं श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। इस परियोजना में यहाँ के गंगा तट व विंध्यवासिनी मंदिर से लेकर विंध्य पर्वत तक का विकास सम्मिलित है, जिसमें कि विंध्यवासिनी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ के निर्माण के अतिरिक्त मंदिर तक आने वाले सभी मार्गों को सवारा गया है एवं गंगा घाटों का निर्माण आदि भी सम्मिलित है। आपको हम निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति के दृश्य प्रदर्शित करते हुए परियोजना के अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि कॉरिडोर के पहले चरण में मंदिर के चारों ओर 50 फीट के परिक्रमा पथ को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर तक जाने वाले चार मार्गों को भी चौड़ा किया गया है, जिसमें कि पुरानी VIP गली का विस्तार 40 फीट, न्यू VIP गली का विस्तार 35 फीट, गंगा की ओर जाने वाले पक्का घाट मार्ग के 200 मीटर तक गली की चौड़ाई 35 फीट तक बढ़ाई गई है। इसे इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि हर कोना अपनी पारंपरिक धरोहर की व्याख्या करे। बता दें कि परिक्रमा पथ के निर्माण के लिए मकान दुकान समेत 92 संपत्तियां और चारों मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 671 संपत्तियां क्रय करके ध्वस्त किया गया है और उसके पश्चात निर्माण हुआ है। इन कार्यों को अधिक कुशलता से पूर्ण करने हेतु इन्हें ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्ग पर पड़ने वाले भवनों को भी अलौकिक स्वरूप देने हेतु उन्हें समरूपता प्रदान किया गया है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। आपको हम बता दें कि वर्तमान समय में यहाँ पर मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ के निर्माण के पश्चात इस पर अंतिम स्पर्श अर्थात फिनिशिंग टच का कार्य तीव्र गति से संचालित है। साथ ही साथ कॉरिडोर के अंतर्गत अन्य भवनों का भी निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, एवं मंदिर तक जो पहुँच मार्ग है वह तो बन भी चुके हैं एवं उनके द्वार का निर्माण आप स्वयं देख सकते हैं। अतः सर्वांगण या यूं कहें तो चारों ओर से एक साथ तीव्र गति से निर्माण हुआ है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि विंध्य कॉरिडोर योजना के अंतर्गत माँ विंध्यवासिनी माता मंदिर के अतिरिक्त परिक्रमा पथ पर कोटा बनाया गया है। प्रथम तल एवं द्वितीय तल को सजाने संवारने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। विंध्य धाम की भव्यता सुंदरता आध्यात्मिकता की दृष्टि से परकोटा के छत पर ए ब्लॉक से लेकर के एच ब्लॉक तक 8 केंद्र बिंदु हैं, जिनके निकटतम दृश्य हम आपको दर्शा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक के दोनों भागों के बीचों बीच पत्थरों से डिजाइन कर मंदिर जैसे मॉडल बनाए गए हैं। 8 केंद्र बिंदु के अलग अलग 16 स्थानों पर मंदिर का अलग अलग शिखर जैसा डिजाइन पत्थरों से बनाया गया है। लोकार्पण से पूर्व 16 स्थानों पर समस्त देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी।
जो माँ विंध्यवासिनी मंदिर की छत से इसकी भव्यता एवं दिव्यता को प्रदर्शित करेंगी। निर्माण को देखकर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य का कॉरिडोर कैसा होगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अभी से विंध्य कॉरिडोर के दर्शन होने लगे हैं। साथ ही साथ गलियों को चौड़ीकरण करने के पश्चात सड़क के बीच डिवाइडर का निर्माण भी किया गया है। इस डिवाइडर पर तरह तरह के रंग बिरंगे पौधे लगाए जाएंगे जो एक अलग ही सुंदरता बिखेरेंगे। इसमें चार चांद लगाने के लिए रंगीन लाइट भी लगाई गई हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी गंभीरता से कार्य कर रही है। आप यदि यह सोच रहे हैं कि अब तक इन विभिन्न कार्यों का कितना प्रतिशत कार्य हुआ पूर्ण, तो आपको हम बता दें कि माँ विंध्यवासिनी धाम अर्थात मंदिर के चार प्रवेश द्वार न्यू VIP, पुरानी VIP, पक्का घाट व थाना गली पर गेट बनाया जा चुका है तथा इन सभी मार्गों व मार्ग पर प्रवेश द्वार आदि का निर्माण पूर्ण हो चुका है। केवल कुछ एक स्थान पर रंग रोगन आदि का कार्य हो रहा है। बता दें कि माँ विंध्यवासिनी धाम जाने वाली सड़कों को विंध्य कॉरिडोर के अंतर्गत चौड़ा किया गया है। पहले यह सड़कें काफी सकरी थी। कॉरिडोर को जोड़ने वाले अप्रोच रोड व फुटपाथ का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। जानकारी हेतु बता दें कि विंध्य कॉरिडोर का निर्माण लगभग 331 करोड़ रुपए से अधिक में किया जा रहा है। विंध्य कॉरिडोर के अतिरिक्त भी सरकार ने धाम को भव्य व सुंदर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट पास किए हैं। उद्घाटन की जानकारी देने हेतु बता दें कि प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 5 से 8 मार्च के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण के लिए मिर्जापुर आ सकते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्य कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही विकास की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री विंध्य कॉरिडोर का लोकार्पण तथा 1900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विंध्य विश्वविद्यालय अष्टभुजा काली खो कॉरिडोर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसी समयावधि में फतहा पर बन रहे नए घाट पुल तथा कई और परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण की तैयारी प्रशासन कर रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक विंध्य कॉरिडोर का 98% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्यदायी संस्था तेजी के साथ निर्माण कार्य को पूरा कराने में जुटी हुई है। कार्यदायी संस्था के द्वारा सैकड़ों मजदूर व कारीगरों के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अहरौरा के गुलाबी पत्थरों का प्रयोग कॉरिडोर में किया गया है। गुलाबी पत्थरों को जयपुर भेज जाने के पश्चात नक्काशी होकर के वे विंध्या चलाए हैं, जहां कारीगरों ने पत्थरों को दीवार में जड़ा है। कॉरिडोर के परिक्रमा पथ अर्थात परकोटी में 160 पिलर का परिक्रमा पथ का निर्माण हुआ है। यूपी के मिर्जापुर में जहां एक ओर विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य तीव्र गति के साथ चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विंध्याचल का वैभव पुनर्स्थापित हो रहा है। इसके साथ ही विंध्य नगरी को अध्यात्म व पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में अब त्रिकोण परिक्रमा पथ पर स्थित कालीखों और अष्टभुजा धाम को दिव्य व भव्य बनाने की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गई है। मंदिर परिसर का विशेष कायाकल्प करने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि त्रिकोण परिक्रमा पथ पर पड़ने वाले प्राचीन अष्टभुजा व कालीखो मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। गर्भगृह को छोड़कर मंदिर परिसर को नवीन रूप दिया जाएगा। बता दें कि अष्टभुजा मंदिर परिसर को लगभग 71 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जाएगा। मंदिर के समानांतर 5 तली भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर VIP लाउंज, कार्यालय और आंगन होने के साथ ही प्रथम तल पर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाना प्रस्तावित है। वहीं दूसरे पर रेस्टोरेंट, तीसरे पर पब्लिक टॉयलेट के साथ ही दर्शनार्थी वेटिंग हॉल एवं चौथे तल पर मंडप हॉल बनाए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त कालीखो मंदिर परिसर को लगभग 51 से 52 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा व भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। कालीखो की सीढ़ियों को आकर्षक बनाया जाएगा। सीढ़ियों के आगे व नीचे की ओर लोअर प्लाजा बनाया जाना है। इसी प्रकार गर्भगृह को छोड़कर के मंदिर के अन्य भागों को अपर प्लाजा के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां सुंदर लॉन, वेटिंग हॉल, पब्लिक टॉयलेट, शू स्टैंड, क्लॉक रूम आदि का व्यवस्था होगी। यही नहीं, बाबा विश्वनाथ की ही तरह से विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह भी स्वर्ण मंडित होने जा रहा है। 20 किलोग्राम से अधिक स्वर्ण से अंदर की दीवारों को जड़ा जाएगा। हाल ही में मुंबई के एक उद्योगपति ने जिलाधिकारी से मिलकर गर्भगृह में सोना जड़वाने का प्रस्ताव दिया है। तत्पश्चात सोना लगवाने को लेकर के मंदिर के गर्भगृह में नापी आदि हुई है।
बता दें कि विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में 1.5 क्विंटल से अधिक चांदी चढ़ाई जा चुकी है। गर्भगृह का द्वार, खम्भे, दीवारों पर चांदी की परत चढ़ी है। सोना लगने के पश्चात माँ के धाम की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण है कि शीघ्र ही सनातन आस्था का केंद्र विंध्य धाम का नया स्वरूप देश व विश्व के समक्ष होगा। इससे मिर्जापुर की नई पहचान बनेगी। विश्व भर से आने वाले श्रद्धालु भी आकर्षित होंगे तथा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और विकास के नव द्वार भी खुलेंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, और इसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई विंध्याचल कॉरिडोर निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां विंध्यवासिनी।